तो आपने नाश्ता स्किप नहीं करना है, ऐसा नाश्ता करना है ग़िज़ाइयत से भरपूर बादशाहों वाला नाश्ता करना है जैसा मैंने आपको बनाना बताया है, जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए। इससे क्या होगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में तो रहेंगे, मींस आपकी कैलोरीज तो कम होंगी लेकिन आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होगा और आपकी बॉडी चली जाएगी फैट बर्निंग मोड में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि वेट लॉस के दौरान हमें नाश्ता करना चाहिए या नाश्ता स्किप करना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नाश्ता करो और बादशाह वाला नाश्ता करो, और कुछ लोग कहते हैं कि नाश्ता स्किप कर दो। कितनी कन्फ्यूजन है, किसकी सुने किसकी ना सुने। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस टाइप का नाश्ता करना है, क्या नाश्ता करना है। अच्छा, यूजुअली हम लोग किस तरह का नाश्ता कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि एक खाली चाय का कप ले लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारा वो आर्टिफिशियल पाउडर मिल्क होता है, उसके अंदर चीनी होती है। अगर आप उसके अंदर चीनी एडेड ना भी करें ना, चीनी ऐड ना भी करें, तो उस पाउडर में भी ऑलरेडी चीनी एडेड होती है। और उसके साथ हम क्या करते हैं, एक चाय के कप के साथ हम ले लेते हैं पराठा, और या फिर हम ले लेते हैं बिस्किट, बेकरी के बिस्किट ले लेते हैं, या फिर हम चाय पापे खा लेते हैं, क्योंकि शुगर फ्री पापे होते हैं ना, जो शुगर फ्री रस्क होते हैं, हम वो ले लेते हैं। या फिर हम डबल रोटी पे मार्जरीन लगा के खा रहे होते हैं, क्योंकि मार्जरीन तो सब यही समझते हैं कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है। मक्खन तो सैचुरेटेड फैट है, वो तो नहीं लेना चाहिए, तो मार्जरीन बहुत सारा लगा के खा लेते हैं क्योंकि वो हेल्दी ऑप्शन है। उपमा ले रहे होते हैं, पोहा ले रहे होते हैं, सही है, केक रस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारे नाश्ते अगर आप करेंगे तो इस खानों से आपका कभी भी वजन कम नहीं होगा। ये अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। तो ऐसा नाश्ता करके आपका वजन कम नहीं होगा, ऐसा नाश्ता करके आपका वजन मजीद बढ़ जाएगा। और कोई रस, कोई बिस्किट शुगर फ्री नहीं होते हैं, ये बॉडी में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को हाई करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और ये जो स्लाइस पे हम मार्जरीन हेल्दी ऑप्शन समझ के खा रहे होते हैं ना, ये आर्टिफिशियल मक्खन होता है, और ये आपकी दिल की और बॉडी की शरियानों पे जाके, आर्टरीज में जाके चिपक जाता है, जैसे हम इसको चिपका रहे होते हैं ना स्लाइस पे, तो ये हार्ट अटैक का सबब बनता है। मैं डरा रही हूँ आप लोगों को, हार्ट अटैक का सबब बनता है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब बीमारियों का सबब बनता है। इसके बजाय आप घी या होममेड बटर, होममेड घी का इस्तेमाल करें नाश्ते में, कम क्वांटिटी में, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं ये, लेकिन इनकी क्वांटिटी हमें कम रखनी है, इनको हमें मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। आपका नाश्ता कैसा होना चाहिए, आपके नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। प्रोटीन की मकदार सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फाइबर की भी होनी चाहिए। और जो लोग नाश्ते में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते हैं, वो पूरे दिन में 300 से 400 कैलोरीज कम कंज्यूम करते हैं, तो चले गए ना आप कैलोरी डेफिसिट में, हो गया आपका इस तरह से वेट लॉस, और पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपको मूड स्विंग्स नहीं होते, चिड़चिड़ापन नहीं होता, ब्लोटिंग नहीं होती। बाकी जो अनहेल्दी ऑप्शन मैंने बताया ना, उससे आपको ब्लोटिंग भी होगी, सुस्ती भी होगी, आप एनर्जेटिक भी नहीं रहेंगे, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर सकेंगे, आपको गुस्सा आएगा, सही है। तो जब आप प्रोटीन रिच नाश्ता करेंगे तो आपको ये सारे इश्यूज नहीं होंगे, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी फील करेंगे। आपको प्रोटीन के मैं सोर्सेज बता देती हूँ नाश्ते में, आप अंडों का इस्तेमाल करें, आप बेसन के चीले का इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल के चीले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गोश्त का सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, चनों का सालन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि प्रोटीन से भरपूर हैं, और आप को स्नैकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप इस तरह से भरपूर ग़िज़ाइयत वाले नाश्ते करते हैं ना, तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, भूख नहीं लगती आपको, जैसे अनहेल्दी स्नैकिंग करने का दिल चाहता है ना, क्रेविंग्स होती हैं, तो आपकी क्रेविंग्स भी ओवरकम होना शुरू हो जाती हैं। तो चलते हैं मेरे किचन में, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करके नाश्ता प्रिपेयर किया। उसके अंदर मैंने हर्ब्स भी ऐड किए हैं, और मैं थोड़ा सा उसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके अंदर आप मल्टीपल वेरिएशंस कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं, और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग
मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर कीजिएगा, राइट। अच्छा जी, और मैं आपको ये बता रही थी कि इसके अंदर एग्स का इस्तेमाल है, जो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एग्स का इस्तेमाल है इसके अंदर, ओट्स भी है इसमें, बेसन भी है। इसे आप देसी फॉर्म में भी आप खा सकते हैं इसको, ठीक है, अपनी मर्जी से। आप इसके अंदर मल्टीपल वेरिएशन कर सकते हैं, जब आप देखेंगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि कितना आसान है इसे करना, और 2 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। वो गजाइत से भरपूर है और इसके अंदर लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड मैंने ऐड किया है। लो कैलोरी क्योंकि हमें रिक्वायर्ड होती है ना वजन कम करने के लिए, लेकिन गजाइत से भरपूर होना चाहिए। तो उसके अंदर सब्जियां हैं, उसमें जुकीनी है, शिमला मिर्च है, एग का इस्तेमाल है, बेसन है, ओट्स है, चीज़ का इस्तेमाल है। तो आप इसे पिज्ज़ा का लुक भी दे सकते हैं, पिज्ज़ा फ्लेवर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और ये आप अपने घर में सबको खिला सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप रेसिपी देख लेंगे तो एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, उसे सुने बगैर ना जाइएगा। तो चलते हैं मेरे किचन में और देखें कि मैंने आप लोगों के लिए बादशाही नाश्ता किस तरह से रेडी किया है। हाँ जी, और एक बात मैं आपको और बता दूँ, इसके अंदर हर्ब्स भी मैंने ऐड किए हैं, जो कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी फिक्स करती हैं, और आपकी इन्फ्लेमेशन को भी फिक्स करती हैं। तो इन्फ्लेमेशन फिक्स होती है तो ये सारा जो नाश्ता आप खाएंगे ये आपको बीमारियों से भी महफूज रखेगा। ये मैंने जो है ये चॉप्ड जुकीनी है, जुकीनी की जगह आप लौकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैबेज भी ले सकते हैं, मैंने जुकीनी का इस्तेमाल किया है। मेरा फेवरेट है जुकीनी, जिसे तुरई कहते हैं। कैप्सिकम इसमें ऐड किया है मैंने, रेड, ग्रीन और येलो, और इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक और जिंजर है। 2 एग वाइट्स हैं, 1 एग योक है, चिली फ्लेक्स हैं। आप इसके अंदर अपनी मर्जी के हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है, और सॉल्ट मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि नेचुरल सॉल्ट्स ऑलरेडी एग में होते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, पिंक सॉल्ट मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करूँगी, ठीक है। आपको पता है कि हल्दी जो है वो वेट लॉस में तो हेल्प करती है, आपकी इन्फ्लेमेशन को भी फिक्स करती है, और आपकी जितने न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, राइट। और इसके साथ ये थोड़े से चॉप्ड अनियंस हैं, ये भी मैं ऐड करूँगी। ये चॉप्ड अनियन भी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये देखें, मैंने थोड़े से घी में ग्रीन चिली ऐड की है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, और अब मैं इसके अंदर ये ज़रा थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। अपनी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही है ना घी की और ज़ीरे की, अब हम इसके अंदर बैटर ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा स्प्रेड कर दें, ये देखें माशाल्लाह से कितना कलरफुल लग रहा है। अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये प्रॉपरली कुक हो जाए। अच्छा जी, अब इसे ना हम फ्लिप करने के लिए, अगर हमने एज इट इज फ्लिप किया तो ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, तो हम इसे इस तरह से प्लेट में डिश आउट कर, ये देखें ये प्लेट में डिश आउट कर लिया मैंने। अब इसको हमने फ्लिप कर लिया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसको पिज्ज़ा की लुक मिल जाए। अब हम इसे फिर से कवर कर देते हैं। ये एक लो फैट चीज़ स्लाइस है, ये आप इसके ऊपर, क्योंकि चीज़ में आप इसको ऑमलेट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसके अंदर एग को ऑमलेट कर सकते हैं, वो इसके अंदर बेसन और ओट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको रोटी या पराठा खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे आप स्पून से इंजॉय करें, क्योंकि रोटी की फॉर्म में इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इसके अंदर ओट्स है और बेसन इसके अंदर एडेड है, और आप इसके अंदर बेसन की जगह थोड़ी सी दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कुक्ड दाल होती है उसके भी 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करके आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं। अदरवाइज़ एग तो इसका बेस्ट इंग्रेडिएंट है फॉर वेट लॉस। और यही जो मील मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, ये देखें माशाल्लाह से कितना शानदार लग रहा है, इसको आप डिनर में भी ले सकते हैं समटाइम्स। अब आप इसे कट करके इस तरह से स्लाइसेस की फॉर्म में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये आप घर में आप किसी को भी बना के दे सकते हैं, वेट लॉस फ्रेंडली भी है, आप घर में अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं,
वो भी इसे एंजॉय करके खाएंगे। तो आपने नाश्ता स्किप नहीं करना है, ऐसा नाश्ता करना है ग़िज़ाइयत से भरपूर बादशाहों वाला नाश्ता करना है जैसा मैंने आपको बनाना बताया है, जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए। इससे क्या होगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में तो रहेंगे, मींस आपकी कैलोरीज तो कम होंगी लेकिन आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होगा और आपकी बॉडी चली जाएगी फैट बर्निंग मोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।